का विवाद बढ़ गया है। पंजाब के पर्यटकों के द्वारा हिमाचल टैक्सी ड्राइवर की हत्या और उसके बाद हिमाचल में गाड़ियों से तोड़फोड़ के बाद पंजाब में भी हिमाचल की गाड़ियों को रोका जा रहा है, जिससे टैक्सी चालकों के साथ साथ पर्यटकों को भी परेशानी हो रही है। इन घटनाओं के बाद जहाँ हिमाचल के कारोबार पर भी असर पड़ रहा है, वहीं इस मामले को लेकर शिमला टैक्सी यूनियन के लोग पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मिले और विवाद को सुलझाने की मांग उठाई। पंचायत राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि टैक्सी ऑपरेटरों का विवाद बड़ा नहीं है, सरकार इसको सुलझाने के लिए बात करेगी। टैक्सी चालक का मर्डर दुखद घटना है, दोनों प्रदेशों को आपसी भाईचारे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो कुछ युवकों ने थोड़े से पैसे के लालच में एक गरीब टैक्सी ड्राइवर का कत्ल कर दिया है, वो लोग पकड़ लिए गए हैं। पुलिस ने अपनी कार्रवाई बहुत ही फास्ट जो है उन्होंने अपनी कार्रवाई करी है। लोग जो संबंधित लोग हैं वो सलाखों के पीछे है और कानून जो है उनको सख्त से सख्त सजा देगी। मेरी संवेदनाएँ टैक्सी ड्राइवर और उनके परिवार के साथ पूरी है, हमारी सरकार की। जो कुछ बन पाएगा हम उनके परिवार के लिए ज़रूर करेंगे। रही बात ज्ञापन की जो टैक्सी हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने हमारे को दी है, कुछ लड़ाई झगड़े जो है सुनने में आया है पिछले कुछ दिनों में, कुछ मनाली में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था पंजाब के और चंडीगढ़ के टैक्सी ड्राइवर्स के साथ, और इसी संदर्भ में जो है कोई कीरतपुर में, कोई गढ़शंकर में, कोई चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे हिमाचल प्रदेश की गाड़ियां जो है वो रोकी जा रही हैं और हमारे जो ड्राइवर भाई हैं उनको डराया जा रहा है और एक दो इंसिडेंट में गाड़ियां जो है वो तोड़ी भी गई हैं। इसके लिए जो है पंजाब प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन से बात करी जाएगी और यूनियन से भी बात करी जाएगी, क्योंकि कोई टैक्सी चलाता है दैट इज़ नॉट बाय चॉइस, जिसको हम बोल सकते हैं। जो ये हरकतें कर रहे हैं, कुछ मैंने सुना है कि सोशल मीडिया में TRP बढ़ाने के लिए, रील्स बढ़ाने के लिए कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कोई टैक्सी ड्राइवर, क्योंकि मजबूरी में गाड़ी चलाते हैं टैक्सी वाले, चाहे वो किसी भी प्रदेश के होंगे, और अगर ऐसे ही रहा तो, क्योंकि हिमाचल में भी वो लोग आते हैं चंडीगढ़ और पंजाब से, और हिमाचल वाले भी नीचे जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक मिलजुल के सबको इकट्ठा रहना चाहिए ताकि सबका कारोबार वो फले फूले और आपस में भाईचारा जो है वो बना रहे, इसके लिए पहल जो है वो की जाएगी। देखिए मेरी नॉलेज में जो है अभी आज ही ये बात जो है आई है, हालांकि जो मर्डर की बात थी वो तो काफ़ी दिन पहले मैंने आप लोगों के माध्यम से ही मैंने जानी थी और उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन भी जो है सरकार ने इमीडिएटली लिया था, लेकिन जो टैक्सीज रोक रहे हैं एक दूसरे प्रदेशों में, ये मुझे अभी संज्ञान में आया है। मैं व्यक्तिगत रूप से खुद प्रशासन से जो है इमीडिएटली बात करूँगा और यूनियन से भी जो है, उनकी संबंधित यूनियंस हैं उनसे भी मैं पहल करके खुद व्यक्तिगत रूप, बड़ा इशू नहीं है ये, अंतर्राज्य कोई ज़्यादा इशू नहीं है, पूरा चाहे हिमाचल के लोग हैं, अगर यूनियन है तो सारे लोग नहीं उसमें, मैं समझता हूँ कि कोई लड़ाई झगड़े करने वाले होंगे, और सेम इज़ विद पंजाब एंड चंडीगढ़, अगर एक दो लोगों ने कुछ किया है, गलत हरकत करी है, तो हम पूरे सभी को जो है वो दोषी नहीं ठहरा सकते, सारे टैक्सी ड्राइवर्स को दोषी नहीं ठहरा सकते। देखिए कोई क्राइम करता है कोई बोल के तो करता नहीं, उसके माइंड में क्या चल रहा है ये तो सिवाय उनके अलावा कोई बता नहीं सकता है, लेकिन सख्ती ज़रूर होनी चाहिए। कोई भी सवारी जाए, चाहे वो परिवार के साथ जाए, चाहे वो दोस्तों के साथ जाए, उनका जो है आधार कार्ड और प्रॉपर जो है वो मेंटेन होना चाहिए, उनकी जानकारी, जैसे आप होटल के अंदर चेक इन करते हैं आपका आधार कार्ड लिया जाता है, ऐसी टैक्सी वालों के लिए भी कोई कानून बनाना चाहिए। कोई सवारी जाए तो एटलीस्ट उसका आधार कार्ड या प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वो ज़रूर होनी चाहिए, ताकि ऐसी हरकतें जो है थोड़े से पैसे के लालच में गरीब आदमी हो या किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए।